अब बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ उपमा मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि बदलेगा राज या फिर बदलेगा रिवाज, इसी सवाल के साथ हम मौजूद हैं इस ग्राउंड जीरो पर सवाई माधोपुर में, और हम आदर्श बूथ की बात कर रहे थे और हम भालू साहब से बात कर रहे थे। भालू साहब थोड़ा सा जोर से बोलेगा, आपका मास्क लगा हुआ बाहर आ जाएगा। क्यों लोग बाहर निकले वोट करने के लिए? ये वोटिंग अपना फर्ज है मैम, और वोट डालना बहुत जरूरी है, और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की कोशिश करें। टाइगर जी, टाइगर है आप जी? मतलब रणथंभौर वाले टाइगर तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं है नहीं। डराएंगे तो नहीं? नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि सबको अपना वोट डालना चाहिए, अपना नेता अपन को खुद चुनना चाहिए, और अपनी समझदारी से अपना वोट डालना चाहिए सब। एक बार जरा कैसे डराएंगे आप बच्चों को बता दीजिए हमें। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, जल्दी से अनुपम आपको बता देते हैं, आप वोट डालने क्यों आए हैं? मैडम वोट डालने इसलिए, मैं एक युवा हूँ तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो राजस्थान में आए दिन पेपर लीक किए हैं जिन्होंने, हम उनके खिलाफ वोट डालेंगे। हम जो हमारी माधोपुर में होने वाली बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, राजस्थान बलात्कार में नंबर वन हो चुका है। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया भी दर्शकों से लगातार अपील करता है कि अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। मोनिका का रुख कर लेते, जयपुर से बनी हुई है मोनिका, क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, यहाँ पर भी बेहद दिलचस्प तस्वीरें बनी हुई है। मेरे पीछे आप कतार तो देख ही पा रही हैं, लंबी कतार है, बड़े हो बुजुर्ग हो महिलाएं युवा सभी बढ़ चढ़कर बेहद उत्साहित हैं आज वोट देने के लिए। लेकिन एक फर्स्ट वोटर मेरे साथ मौजूद है, एक्साइटमेंट इसीलिए क्योंकि 1.5 करोड़ युवा जो है इस बार अपना मतदान करे, वो भी पहली बार। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ जी, अभी एक्साइटमेंट थी आज? बहुत एंथुजियास्टिक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी जस्ट 18 हुई हूँ और फर्स्ट टाइम आई हूँ। वोट देना क्यों जरूरी है? अपनी गवर्नमेंट तो अपन ही चूज करेंगे, अपन के अलावा कौन कर सकता है। होपफुली जो गवर्नमेंट आएगी वो यहाँ पे लोगों की सुनेगी और लोगों के हिसाब से करेगी। मदर के साथ आई हैं? आंट, चाची मैं हूँ उसकी। इन्होंने कुछ ज्ञान दिया आपको कि आप अपनी मर्जी से आई है वोट? नहीं, आज की युवा है, इनको पूरा अधिकार है अपना नेता खुद चुनने के लिए। ये इतने एनलाइटेंड है, आज सबकी प्रत्याशियों की बातें सुनी है, जो वादे किए गए हैं, और प्रीवियस गवर्नमेंट से भी काफी सेटिस्फाइड हैं, इसलिए ये अब शी इज ऑन हर ओन। यही जागरूकता जो हर वोटर के मन में है, लेकिन युवा इतने जागरूक है। मैम भी यहाँ पर है, मैम किसका इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए।